ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का हम जो संक्षिप्त रूप है वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो जीव हैं धरती पे विकसित हुए हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले जो ये स्लाइड है इसमें हम फर्स्ट सेलुलर फॉर्म टू एम्फीबियन पढ़ेंगे, पहले जो सेलुलर स्ट्रक्चर बनी है उसके बाद उनसे एम्फीबियन कैसे डेवलप हुए हैं टाइम टू टाइम वो देखेंगे। तो अबाउट 2000 मिलियंस ईयर्स एगो, 2000 मिलियन साल पहले, मतलब 2 अरब साल पहले, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आगे MYA लिखा जाएगा, मिलियंस ईयर्स एगो को, जो तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म है वो मिली है धरती पे, वो अपीयर हुई है, उसका विकास हुआ है। सम ऑफ दीज सेल्स हैड एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, तो इन्हीं में से कुछ सेल्स हैं उनके अंदर चेंज आए, वो फोटोसिंथेसिस हुई और उन्होंने ऑक्सीजन है वो एनवायरमेंट में छोड़ना स्टार्ट किया। स्लोली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म बिकम मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, आराम आराम से जो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म थे ये मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट होते गए। बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन साल पहले जो इनवर्टिब्रेट्स हैं वो धरती पे बने और वो एक्टिव हुए, एक्टिव का मतलब उनकी संख्या बढ़नी स्टार्ट हुई। जालस फिश प्रोबेबली इवोल्वड अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो, जो जालस वर्टिब्रेट्स में जो जालस जिनके पास जबड़ा नहीं था वो मछलियाँ, वो लगभग 350 साल पहले धरती पे इवोल्व हुई हैं, 350 मिलियन साल पहले। सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स, सीवीड्स जो समुद्री घास होते हैं कुछ, और कुछ पेड़ पौधे हैं वो भी धरती पे लगभग 320 मिलियन साल पहले ही आए हैं। प्लांट्स वर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स, और एनिमल्स और प्लांट्स में यदि हम देखें कि जो इवोल्यूशन है, वैसे इवोल्यूशन तो समुद्रों से ही आया है, पानी से आया है, लेकिन पानी से सबसे पहले पेड़ जो सथल पे आने वाले जो प्लांट्स थे, प्लांट्स ने इन्वेंशन किया था, मतलब सबसे पहले यही आके सर्वाइव करना शुरू किए थे और बहुत ज़्यादा फैले प्लांट्स उस पे आके, ज़मीन पे आके अलग अलग मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, अलग यदि वाटर में रहता है तो जो भी एनिमल होता है प्लांट होता है उसको अलग ढंग से वहाँ पे सर्वाइव करना पड़ता है। और जैसे ही वो स्थल पे आए तो उनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस वो देखने को मिले, और उसके बाद में एनिमल्स ने लैंड को इन्वेड किया, इन्वेड का मतलब है अपना जो लाइफ है वहाँ पे धरती पे स्टार्ट किया, स्थल पे स्टार्ट किया। फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिंस कुड मूव ऑन द लैंड एंड गो बैक टू वाटर अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो, 350 मिलियन साल पहले ही जो फिश हैं जिनके पास स्टाउट का मतलब मजबूत, और स्ट्रोंग का स्ट्रोंग भी मजबूत होते हैं, स्टाउट मतलब थोड़े से जो बोल सकते हैं कि थिक मोटे, जिनके पास फिन थे वो धरती पे आए, और ये मोटे फिन्स क्या करते हैं, उनको चलने फिरने में मदद करते हैं, क्योंकि वैसे पानी के अंदर तो फिन नरम होते हैं क्योंकि उनका काम तैरने का होता है, लेकिन लैंड पे मिले ये, और थोड़े टाइम के बाद इनके कुछ जो जीवाश्मों से पता लगाया जाता है कि वापस ये पानी के अंदर चले गए थे। तो थोड़ा सा उन्होंने ट्राई की थी लैंड पे रहने की, लेकिन थोड़ा सा एक इन्वेंट कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो जीव हैं वो ज़्यादातर लैंड पे आने स्टार्ट हुए। इन 1938 एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एक फिश काट की गई साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पे पकड़ी गई एक मछली जो उसको माना जाता था कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, कोलियोकैंथ की एक स्पीसीज थी जो एक्सटिंक्ट मानी गई थी, लेकिन ये स्पीसीज है, तो वो इसी टाइप की स्पीसीज थी जिन्होंने लैंड के ऊपर इन्वेंशन है वो स्टार्ट कर दिया था। लोब फिन्स जो मछलियों की प्रजाति हैं एक प्रकार की, इवोल्वड इनटू फर्स्ट एम्फीबियंस, तो यही वो ग्रुप है इंडिविजुअल का जो पहले एम्फीबियंस के अंदर कन्वर्ट हुआ, मतलब इन्हीं का ही विकास एम्फीबियंस में हुआ है। और एम्फीबियंस क्या है, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी, और ये इनको एंसेस्टर माना जाता है आज के जो मेंढक हैं, फ्रॉग हैं, और जो सेलेमेंडर्स हैं, टिपिकली जैसे जीव हैं जो पानी और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, उनके पूर्वज माना जाता है लोफिन्स को। तो इनका इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है, पानी वाले कुछ जो मछलियां हैं वही वो लोगों के एम्फीबियंस बनाए, उन्होंने ही इवोल्यूशन से एम्फीबियंस को बनाया है। उसके बाद प्लांट्स का हम इवोल्यूशन थोड़ा सा यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्लांट किस तरीके से अलग अलग जो टाइम पीरियड है उनके अंदर चेंज होते गए। जैसे क्लोरोफाइट एंसेस्टर का मतलब है जिनके पास क्लोरोफिल था जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उन्हीं से टाइम टू टाइम अलग अलग टाइप के जो प्लांट ग्रुप्स हैं जो हम मॉडर्न हम देखते हैं
तो उन्हीं से ही वो इवोल्व हुए हैं। जैसे क्लोरोफाइट से ही सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स जो कि वाटर के अंदर रहते थे, मेनली एम्फीबियंस वाटर के अंदर भी रह सकते थे लेकिन ये टेरिस्ट्रियल भी थे, तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम इनको बोला जाता है। तो इनका इवोल्यूशन लगभग कार्बिनोफेरस टाइम पीरियड में हुआ है। ये पीरियड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल के, मतलब जो भी टाइम है धरती का, जो अलग अलग हम पढ़ते हैं 1 बिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले, तो इनको हमने अलग अलग भागों में बांट रखे है। जो मेन मेन जो टाइम है वो बड़े जो कुछ एरा है युग के रूप में, जैसे पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक एरा में डिवाइड कर रखा है, और उसी की कुछ शॉर्ट फॉर्म है ये समझने के लिए भी किस टाइम पीरियड में वो चीज़ इवॉल्व हुई है, उसको पीरियड्स में बांटा गया है। जैसे सिलूरियन है, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है, इनका इसी तरीके का ऑर्डर है जिस टाइम में ये आए हैं। जैसे जो ब्रायोफाइट्स हैं तो इनका जो इवोल्यूशन है इस टाइम से माना जाता है कार्बिनोफायरस से। तो ब्रायोफाइट्स जो धरती पे कार्बिनोफायरस पीरियड के अंदर इवोल्व हुए हैं और आज भी हम इनके जीवों को देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रैकियोफाइट्स, जिनके अंदर ट्रैकिया वगैरह प्रेजेंट थे, जिनके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट थे। तो उन जीवों से जो जेस्ट्रोफाइलम, अलग अलग प्रकार के जो क्लास वगैरह ऑर्डर वगैरह है वो बने, और उन्हीं से जो आज के हर्बेसियस लाइकोपोड टाइप के प्लांट्स हैं वो इवोल्व हुए हैं। कुछ प्लांट्स कुछ टाइम पहले जो परमेनियन पीरियड के टाइम ही आरबियोस सेंट लाइकोपाइड्स भी इवोल्व हुए थे लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस जो अलग अलग जो पोर्शन बना रखे हैं इनका मतलब क्या है कि जो अब तक सरवाइव कर रहे हैं तो वो एंड तक लिमिट मिलेगी उनकी, और जब यदि उनकी कुछ टाइम के बाद वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं तो उनकी जो स्पीसीज है वो वहीं पे वैनिश हो गई है। और जो एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनका नंबर कितना है, कितनी मात्रा में इवोल्व हुए हैं। जैसे यदि हम बात करें सिनेप्सिडा होस्टेल जैसे जीवों की, जो कि एक्टोकार्पस टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं इसमें, मतलब खासकर प्लांट्स आते हैं, वो एक टाइम अच्छे खासे इवोल्व हो चुके थे लाइफ के, मतलब धरती के ऊपर, जब कार्बिनोफायरस टाइम के टाइम पीरियड के टाइम पे। लेकिन आज इनका जो बहुत ही कम इंडिविजुअल हैं वो देखने को मिलते हैं पहले कंपैरिजन में। और उस प्रकार से ऐसे ही फरन्स हैं, गिंकोक्स हैं, कॉर्निफेरस हैं, तो इनके जो एंसेस्टर हैं जो एक के बाद एक मॉडिफाई होते चले गए और आज अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हम नेचर में देख पा रहे हैं वो इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। और जिस जगह से ये अराइज हो रहे हैं उस जगह से इनका इवोल्यूशन माना जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा इनकी देखने को मिलती है। जैसे कॉनिफायर्स हैं पहले एक बार ज़्यादा फैल गए थे धरती पे लेकिन उसके बाद लिमिटेड सा इनका जो हैबिटेट है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम पाया जाता है। इसी प्रकार से जो आज हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो मेन प्लांट होते हैं ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स, ये जिम्नोस्पर्म है साइकस और ये एंजियोस्पर्म्स हैं जिसमें मोनोकोट और डाइकोट आ जाते हैं, तो वो सीड फरन से आए हैं। और जो इन प्रकार के जो शेप बना रखी है इनका मतलब क्या है, एक बार तो अच्छे खासे इवोल्व हुए फिर उसके बाद बहुत ही कम इनके प्लांट जो मेंबर बचे, उसके बाद वहाँ से सीड फरन आए, सीड फरन से दो ग्रुप बन गए, एक जिम्नोस्पर्म का एक एंजियोस्पर्म्स का। सीड फरन का मतलब ये सीड बियरिंग प्लांट्स थे। तो प्लांट का इवोल्यूशन हम जूलॉजिकल टाइम स्केल पे ऐसे एक आइडिया ले सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हैं, सांप वगैरह हैं, जो छिपकली वगैरह हैं, वो किस तरीके से इवोल्व हुए हैं, वो धरती पे किस तरीके से विकसित हुए हैं वो देखते हैं। जो हमने एम्फीबियन पढ़ा था, एम्फीबियन इवोल्व हुआ था पीछे की कुछ स्लाइड में, प्लांट वाली स्लाइड से पहले वाली में, तो वही एम्फीबियन इवोल्वड इंटू रेप्टाइल्स। तो जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन है वो एम्फीबियन से माना जाता है। जो एम्फीबियंस थिक सेल्ड एग्स देते थे, मतलब ये मॉडिफिकेशन है, एम्फीबियंस जब पानी में एग लेइंग करते थे तो उनके ऊपर कोई हार्ड कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो टेरिस्ट्रियल फॉर्म बनी उनकी, जमीन पे रहना शुरू किया, तो अंडे हैं वो मोटी कैल्शियम कार्बोनेट सेल से कवर करने लग गए ताकि उनको सूखने से बचाया जा सके, जो अंदर का कंटेंट है उसको, सन की जो गर्मी है तो उससे उनको वाटर लॉस से बचाया जा सके, इसलिए वो थिक सेल्ड एग हैं वो प्रोड्यूस करने लग गए। एंड दियर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स, और उन्हीं के जो आज के टाइम पे जो वंशज हम देखते हैं वो टर्टल्स हैं, कछुए हैं, टोरटोइज भी वैसे कछुए ही होते हैं, टर्टल्स मैराइन फॉर्म होती है जिनके फिन टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, और जो टोरटोइज हैं इनके नॉर्मल पाँव पाए जाते हैं, पाँव में आगे नाखून भी देखने को मिलती हैं, टर्टल्स की शेप थोड़ी सी अलग होती है। एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में मगरमच्छ हैं जो, तो आज के जितने भी जीव हैं ये इवोल्यूशन से ही बने हैं। इन नेक्स्ट 200 मिलियंस ईयर्स और सो रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज डोमिनेटेड अर्थ, तो इसके 200 मिलियन साल बाद
जो बात कर रहे हैं हम, जो एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में उलू हैं, उसके 200 मिलियन साल बाद जो अलग अलग टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं उनकी शेप साइज है, अलग अलग प्रकार के जो रेप्टाइल्स हैं उन्होंने धरती पे पूरी तरीके से डोमिनेट का मतलब प्रभुत्व, मतलब ज़्यादा नंबर में वो फैल गए थे धरती पे। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इन टू वाटर टू इवोल्व इन टू फिश लाइक रेप्टाइल्स प्रोबेबली 200 मिलियन ईयर्स एगो। तो 200 मिलियन साल पहले की बात है, जो इस्टियोसोर्स हैं इस टाइप के जो रेप्टाइल्स हैं वो मछलियों से इवोल्व हुए थे, मछलियों से वाटर टू इवोल्व इन टू फिशिज लाइक रेप्टाइल्स। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे थे जो जमीन पे एक बार ही आ गए थे लेकिन उसके बाद वापस पानी के अंदर चले गए, और कुछ फिश लाइक रेप्टाइल्स उन्होंने बना लिए। इस्टियोसोर्स टाइप के रेप्टाइल्स थे ये। लैंड रेप्टाइल्स वर डायनासोर्स बिगेस्ट, जो सबसे शुरुआती टाइम में जो धरती पे रहने वाले सरीसृप थे वो डायनासोर्स थे, और उनमें सबसे बिगेस्ट जो सबसे बड़े साइज में था वो डायनासोर्स रेक्स थे, जो कि 20 फीट तक हाइट तक जा चुके थे, मतलब 20 फीट तक इनकी हाइट थी। और इनके ह्यूज मतलब बहुत बड़े बड़े फियरसम का मतलब डरावने, डैगर लाइक का मतलब फावड़े जैसे नुकीले जो दांत थे इनके, जो कि 15 सेंटीमीटर तक की मतलब जो लेंथ है वो लिए हुए थे। तो काफी डरावने जीव होते थे ये। अबाउट 16 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन साल पहले, डायनासोर एकदम से धरती से डिसअपियर हो गए, एकदम से उनका खात्मा हो गया। और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेज की वजह से उनकी जो डेथ हुई है, कुछ का मानना है कि उन्हीं में से जो ज्यादातर जो जीव हैं डायनासोर्स हैं वो बर्ड्स में विकसित हो गए, मतलब इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स वो रेप्टाइल से माना जाता है। जो आर्कियोपोटेरिक्स एक जीव है जिसे माना जाता है कि वो पहले डायनासोर से इवोल्व हुआ है, और डायनासोर से फिर वो बर्ड्स के अंदर इवोल्व हो चुका है। सम साइज्ड रेप्टाइल, स्मॉल साइज्ड रेप्टाइल ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, उस टाइम के कुछ छोटे रेप्टाइल्स, छोटे शेप के रेप्टाइल्स आज भी धरती पे एग्जिस्ट करते हैं, आज भी धरती पे पाए जा सकते हैं। जायंट फर्न्स टेरिडोफाइट्स वर प्रेजेंट, बट उसी टाइम की बात है कि कुछ जो फाइट्स के ग्रुप हैं, कुछ जाइंट फरन्स, बड़े बड़े जो फरन्स हैं, फरन्स जैसे गमले में कुछ सजावटी पर्पज के लिए भी यूज किए जाते हैं, तो उस टाइम पे प्रेजेंट थे, बट दे आल फॉल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट्स। तो उस टाइम वो गिर गए अलग अलग जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, और मिट्टी के अंदर दब गए, और मिट्टी के अंदर जैसे जैसे उनके ऊपर प्रेशर पड़ता गया तो वो कोल डिपॉजिट्स के रूप में आज हम उनको निकालते हैं। तो पिक से हम देख सकते हैं जो रेप्टाइल्स का इवोल्यूशन, तो इसके अंदर जो आर्कियोसोर्स हैं, आर्कियोसोर्स जो पढ़ा था हमने कि जो एम्फीबियन टाइप के जो एंसेस्टर हैं इनके, उनको बोला जाता है, और उसी से एक जो लाइन है वो क्रोकोडाइलियंस किया जाती है, आज के टाइम पे जो क्रोकोडाइल हम देख पा रहे हैं, तो ये भी काफी डरावने जीव होते हैं, जो लार्ज लिजार्ड बोलते हैं इनको, बड़ी छिपकलियां, और इसी की एक लाइन जा रही है आगे अलग अलग टाइप के जीवों के, जैसे टीलियो का क्रेटर हैं, टेरोसोर्स हैं, फ्लाइंग रेप्टाइल्स होते थे ये टेरोसोर्स, और इन्हीं का मॉडिफिकेशन आगे आर्कियोपटेरिक्स था, जो कि कुछ बर्ड्स टाइप के करेक्टर्स लिए हुए था। और उसके बाद डायनासोर्स मोर्फ, डायनासोर लाइक रेप्टाइल्स थे ये। उसके बाद रियल डायनासोर इवोल्व हुए, अलग अलग टाइप के डायनासोर्स हैं ये हर्बेसियस थे, शिकार मतलब जो शाकाहारी थे, और जो ये वाला डायनासोर है ये मांसाहारी डायनासोर था, इनकी बहुत लंबी नेक थी, और जो इनकी टेल है वो भी बहुत ज़्यादा लंबी होती थी। और कुछ माना जाता है कि जो इन्हीं से इवोल्व के आज जो बर्ड हैं वो इवोल्व हुए हैं, इन्हीं का जो मॉडिफिकेशन है वो बर्ड्स में देखने को मिलता है। कुछ का मानना है कि जो डायनासोर्स हैं वो एक मेटेराइट, एक खगोल पिंड धरती पे आके टकरा गया था, जिसकी वजह से काफी बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उसी एक्सप्लोजन से काफी रेडिएशन निकली, और काफी जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया था, उसकी वजह से जो जो स्थल पे रहने वाले जो बाहर रहते थे, जो बिलों में रहते थे, उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, जो एकदम से इस इम्पैक्ट में बच नहीं पाए वो डायनासोर ही थे, डायनासोर एकदम से एक्सटिंक्ट होने का कुछ लोग ये भी रीजन मानते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग। उसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ मैमल्स, स्तनधारी जीव हैं वो कैसे इवोल्व हुए हैं। फर्स्ट मैमल वर लाइक श्रू विच फॉसिल्स ऑल स्मॉल साइज, तो शुरुआत वाला जो मैमल था वो श्रू लाइक थे, श्रू एक छोटे जीव होते हैं और ये स्मॉल साइज के होते हैं, इनके फॉसिल जब मिलते हैं तो उन्हीं से हम आइडिया लगाते हैं कि शुरुआत वाले मैमल्स हैं छोटे साइज के मिलते हैं।
तो ऐसे रियल में आज ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पहले टाइप में होते थे। श्रू तो आज भी प्रेजेंट है, लेकिन जो श्रू लाइक एनिमल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं थे। ये चूहे जैसे ही एनिमल्स होते हैं जो छोटे छोटे बिलों में रहते हैं, तो उन जैसे मैमल्स थे शुरुआत में जो बिलों में रहते थे। मैमल्स वर विवीपैरस एंड प्रोटेक्टेड दियर अनबोर्न यंग इनसाइड मदर्स बॉडी। तो मैमल्स विवीपैरस थे, मतलब यंग वंस को प्रोड्यूस करते थे, और जो कंप्लीट डेवलपमेंट है यंग वंस की वो मदर्स के वॉम के अंदर ही होती थी। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद डिलीवरी होती थी यंग बेबी की। मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट, उस टाइम के जो मैमल्स हैं अच्छे खासे उनके अंदर नॉलेज थी, और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते थे, उनके पास सेंसेस थी, अलग अलग ज्ञान इंद्रियाँ थी। अवॉइडिंग डेंजर एट लीस्ट, और ज़्यादा ज़्यादा उनके पास जो डेंजर हैं, जो अलग अलग खतरनाक परिस्थितियाँ, उनसे बचने के उनके पास आइडियाज़ थे। जब रेप्टाइल्स केम डाउन, जैसे ही रेप्टाइल्स खत्म हुए धरती पे, तो मैमल्स को अच्छा खासा मौका मिल गया पूरी धरती के ऊपर राज करने का, मतलब पूरी धरती को डोमिनेट करने का। इन साउथ अमेरिका मैमल्स रिजेम्बलिंग हॉर्स, हिप्पो, पोटामस, बियर, रैबिट एक्सेट्रा। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ मैमल ऐसे इवोल्व हुए जो कि आज के टाइम पे हॉर्स जैसे, हिप्पो पोटामस जैसे, हिप्पो जो पानी के अंदर पाया जाता है, बियर जो भालू जैसे, और खरगोश जैसे कुछ जो मैमल्स हैं वो इवोल्व होने स्टार्ट हुए। वेल, डॉल्फिन, सील्स, सी काउज, ये एक्वेटिक मैमल्स होते हैं। ये भी इनकी अलग अलग फॉर्म के द्वारा, मतलब जो मछलियों के आगे मॉडिफिकेशन रूप हैं, वेल्स है, डॉल्फिन है, सील्स हैं, ये पानी के अंदर अलग अलग जीवों से ही विकसित हुए हैं। मैमलियन करेक्टर इनके पास पाए जाते हैं। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ है, एलिफेंट का कैसे हुआ, डॉग का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये भी एक अलग स्टोरी होती है इवोल्यूशन की। अलग लेवल पे जो हायर क्लासेज में इनकी भी स्टोरी पढ़ी जाती है कि कैसे इवोल्व हुए हैं। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब है जो ये महाद्वीप हैं ये सरकते हैं, अपनी जगह चेंज करते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर टिके होते हैं धरती के नीचे, जो प्लेटें हिलती रहती हैं, लावा जो है धरती में, तो उनकी वजह से जो ये प्लेटें हैं जैसे ही लेंगी तो ऊपर के जो महाद्वीप ये लिए हुए हैं वो भी अपनी जगह बदलते रहते हैं। और जो महाद्वीप है आज जहाँ पे हम देख रहे हैं, पहले अलग अलग जगह पे थे ये, और पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका अलग अलग थे, लेकिन टाइम टू टाइम ये मिल गए आपस में आके, और जो एनिमल्स इनके ऊपर रहते थे, तो जैसे साउथ अमेरिका के जो मैमल्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर चले गए, और इसी प्रकार से वहाँ के जो एनिमल्स हैं उनको जगह ज़्यादा मिल गई अपने आप को डाइवर्सिफाई करने के लिए, अपने आप को फैलाने के लिए। पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम एनी अदर मैमल्स। पाउच्ड का मतलब मार्सोपियल मैमल्स जो ब्रूड पाउच रखते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्यों इवोल्व हो गए वो अच्छे ढंग से, क्योंकि उनको कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो एक अलग ही एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हमने देखा है वो बिल्कुल एक समुद्र के बीचों बीच है, और वहाँ पे किसी भी कॉन्टिनेंट से किसी भी जीव का जाना बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, कोई भी जीव वहाँ पर नहीं पहुँच पाता। बर्ड्स को छोड़ के बर्ड्स हालांकि माइग्रेशन करके जा सकते हैं, तो ज़्यादा जीव नहीं है, कंपटीशन कम है, जिसकी वजह से वो अच्छे ढंग से सर्वाइव कर पाए वहाँ पे। तो यहाँ पे हम मैमल्स का इवोल्यूशन देख सकते हैं, वही जियोलॉजिकल टाइम स्केल है जो कार्बिनोफेरस है, जैसे 350 मिलियन ईयर्स एगो है, 300 मिलियन ईयर्स एगो, तो ये मिलियंस के अंदर है, और जो जीरो है मतलब ये आज की प्रेजेंटल कंडीशन शो कर रहे हैं। और अलग अलग टाइप के जो पीरियड हैं कार्बिनोफेरस से माना जाता है जो मैमल्स हैं उनके जो एंसेस्टर हैं सिनेप्सीड्स, सिनेप्सीड से इवोल्यूशन माना जाता है कि इवोल्वो के जो कुछ पैलियोकोसार्स हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ये उसके बाद थीरोप्सीड्स हैं ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो ये अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं मैमल के इवोल्यूशन में, कि मैमल डायरेक्ट इवोल्व नहीं हुआ है, रेप्टाइल लाइक ही होते थे हमारे एंसेस्टर भी स्टार्टिंग में, मैमल्स में सभी आ जाते हैं ह्यूमन भी, और उसे दो अलग अलग ग्रुप बने हैं ऑर्गेनिजम्स के, एक सिनेप्सीड्स एक सिरोप्सीड्स। सिरोप्सीड्स से जितने भी आज हम जीव देखते हैं अलग अलग, जितनी भी यहाँ से लाइनें निकल रही हैं अलग अलग, जैसे टर्टल है इसको भी मतलब लगभग 275-280 मिलियन ईयर्स एगो इसका इवोल्यूशन माना जाता है। लिजार्ड है जैसे, ये भी उसी टाइम की मानी जाती है। उसके बाद जो डायनासोर्स हैं वो यहाँ से इवोल्व हुए हैं, थीकोडोंट टाइप के कुछ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स थे, उसके बाद यहीं से कुछ रेज निकली हैं जो कि डायनासोर आज ही एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उन्हीं से बने हैं ये। मतलब जो नीचे वाले जीव हैं वो एंसेस्टर हैं, उन्हीं से ऊपर वाले जीव हैं वो इवोल्व हुए हैं, जैसे इसी से जो क्रोकोडाइल्स हैं बर्ड्स हैं इन्हीं से इवोल्व हुए हैं।
जबकि कुछ जो रेप्टाइल्स हैं उनको माना जाता है कि उनकी एक अलग ही क्लास सेरोपसीडा से रही है स्टार्टिंग से ही, जैसे जो लिजार्ड हैं, स्नेक हैं और टर्टुरस हैं, चिपली जैसे ही होते हैं, ट्यूएटार्स हैं, ट्यूएटार्स और क्रोकोडाइल्स हैं। क्रोकोडाइल्स तो ये अलग क्लास में चले गए जो कि थीकोडोंट से इवोल्व हुए हैं, जबकि ये वाले हैं जो वो अलग अलग लाइन लिए हुए हैं अपनी, मतलब जिस तरीके से जैसे अपने जो अलग अलग फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में जैसे जैसे अलग अलग वंश चले जाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एंसेस्टर पूर्वज और वंशजों का इसी तरीके से ट्रन चलता रहता है। काफ़ी टाइम पहले की जो बातें हैं ये, उस हिसाब से इवोल्यूशन को समझा जा सकता है।